पिछले वीडियो में आपने आपके अंदर की कुछ बेसिक चीज़ों को जाना कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, सारी की सारी रिद्धियां सिद्धियां आपके अंदर हैं, सारा का सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है और यहां तक कि खुद परमात्मा भी आपके अंदर है। आपने कमेंट्स किए कि इससे आगे और भी ज़्यादा जानने के आप इच्छुक हैं, इसलिए उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है उनको ये वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे आपके अंदर के चक्रों के बारे में कि सही सही में आपके अंदर चक्र हैं कितने हैं और वो चक्र असल रूप में हैं कहाँ हैं। आपको हमेशा देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है कि इंसान के शरीर में 7 चक्र हैं, लेकिन ये सच नहीं है। चक्र 7 नहीं हैं, असल में चक्र 6 हैं और जिन चक्रों के बारे में आपको बताया जाता है वो असली चक्र नहीं हैं, वो असली चक्रों का प्रतिबिंब है। जिन चक्रों के बारे में आम तौर पर चर्चा की जाती है मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ कि वो चक्र कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। अगर आप इन चक्रों के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आत्मा का रहस्य, चक्रों का रहस्य। वो वीडियो आप एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला चक्र है मूल चक्र, जिसे गुदा चक्र भी कहते हैं। दूसरा चक्र है इंद्रिय चक्र। तीसरा चक्र है नाभि चक्र। चौथा चक्र है हृदय चक्र और पांचवा है कंठ चक्र और छठा है कंज कमल, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, जो कि दोनों आँखों के बीच में, दोनों आँखों के पीछे स्थित है। इससे ऊपर जिसे सातवां चक्र समझा जाता है या कहा जाता है वो कोई चक्र नहीं है, बल्कि वहाँ से अगले एक नए मंडल की शुरुआत होती है। असल में इस पूरी रचना के, इस पूरी सृष्टि के 4 भाग हैं। असल में मानव शरीर भी पूरी सृष्टि का और पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है और सारा का सारा ब्रह्मांड इंसान के माइंड के अंदर ही है, परमात्मा भी इसी के अंदर है। इस पूरी सृष्टि के और मानव शरीर के 4 भाग इस प्रकार हैं। पहले भाग को कहा जाता है पिंड, कि पैरों से लेकर दोनों आँखों तक स्थित होता है। दोनों आँखों से ऊपर मंडल शुरू होता है, उसे कहा जाता है अंड। यहाँ पर पिंड में आत्मा और मन दोनों का राज चलता है, लेकिन यहाँ मन ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए यहाँ पर मन का ही राज चलता है। दोनों आँखों से ऊपर अंड में माया का राज चलता है और वहाँ पर भी 6 चक्र स्थित हैं। अंड से ऊपर तीसरा मंडल शुरू होता है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। वहाँ का मालिक खुद ब्रह्म या काल है। ब्रह्मांड में काल का राज्य है और वहाँ पर काल का राज चलता है। असल में ब्रह्मांड से लेकर पिंड तक सारा का सारा राज्य काल का ही है और अंड में माया भी काल के ही अधीन है और यहाँ पिंड में मन भी काल का ही अंश है, काल का ही रूप है। वहाँ पर ब्रह्मांड में भी 6 चक्र हैं और असल में असली चक्र वही हैं। ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर पड़ता है और अंड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इन पिंड के चक्रों में शक्ति नहीं है। जैसे सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं या किसी आईने पर पड़ती हैं और वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन या उसकी चमक जो आपके शरीर पर पड़ती है, तब भी आपको वैसी ही चमक और वैसी ही तपन महसूस होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आईने में है वो असली सूरज है। असली सूरज तो वो है जिसकी चमक आईने के अंदर पड़ रही है। इसी प्रकार असली जो 6 चक्र हैं वो ब्रह्मांड में स्थित हैं और हमारे पिंड में जिन्हें हम चक्र कहते हैं वो असली चक्रों का सिर्फ एक प्रतिबिंब है। इसका भेद सिर्फ वही संत महात्मा बताते हैं जो कि खुद अंदर गए हैं और जिन्होंने अपने आप स्वयं अनुभव किया है और देखा है कि अंदर का हाल क्या है, क्योंकि वहाँ अंदर ब्रह्मांड तक कोई कोई ही संत महात्मा पहुँच पाया है। बाकी सब लोगों का तो यहाँ पिंड में मन ने बाहर ही बाहर भुलाकर रखा हुआ है और जो कोई थोड़ा बहुत अंदर जाता है उसे अंड में माया भुला देती है। ब्रह्मांड से आगे चौथा मंडल है, जिसे सचखंड या सतलोक कहा जाता है। वहाँ पर सतनाम या सतपुरुष का राज है, जो कि खुद परमात्मा है और हमारा, मतलब कि हम सब आत्माओं का मालिक है। लेकिन परमात्मा तक हमें कोई सतगुरु या सिर्फ वही महात्मा पहुंचा सकता है जो खुद अंदर गया हो और वहां तक पहुंचा हो। कोई भी संत महात्मा आपको सिर्फ वहां तक ही पहुंचा सकता है जहां तक वो खुद गया होगा, उससे आगे वो आपको नहीं ले जा सकता, क्योंकि BA MA तक की पढ़ाई के बारे में आपको सिर्फ BA MA वाला ही बता सकता है और मैट्रिक पढ़ा हुआ आपको सिर्फ मैट्रिक तक की ही पढ़ाई के बारे में बता सकता है। इसलिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए किसी पूर्ण सतगुरु या संत महात्मा की खोज करनी चाहिए जो कि खुद वहां तक पहुंचा हुआ हो।
अंदर के इस भेद के बारे में अलग अलग महात्माओं और संतों ने अपनी अपनी वाणी में और अपने अपने समय के हिसाब से बताया है, लेकिन संतों की इस वाणी को सब लोग समझ ही नहीं पाए, इसे कोई कोई ही समझ पाया है। जैसे कि अंदर के इन चक्रों के बारे में कबीर जी ने एक जगह पर लिखा है, काया भेद किया निर्वारा, या सब रचना पिंड मझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची पिंड अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। इसी प्रकार अन्य महात्माओं ने भी, जैसे कि गुरु नानक देव जी ने, संत रविदास जी, तुलसी साहिब जी, मौलाना रूम, बुल्ले शाह, दादू साहिब और इसी प्रकार अन्य कुछ महात्माओं ने जगह जगह पर इसका प्रमाण दिया है और इसके बारे में और इस भेद के बारे में बताया है, लेकिन लोगों ने उनकी वाणी को समझा ही नहीं और मन ने सबको बाहर ही बाहर भटका कर रखा हुआ है। ये सब काल और माया का बिछाया हुआ जाल है ताकि कोई भी आत्मा इनके राज्य से बाहर ना जा सके। आत्माओं को इस जाल से बाहर सिर्फ और सिर्फ कोई सतगुरु या संत महात्मा ही निकाल सकते हैं और परमात्मा से मिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे और भी मैं अंदर के रहस्यों के बारे में चर्चा करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए खास बातें, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।